बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। प्रथम चरण का चुनाव भी समाप्त हो गया है। दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होना है। 3 नवंबर को ही बेगूसराय में भी मतदान होगा। वहीं लगातार चुनाव को लेकर नेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है। शुक्रवार को चांदपुरा जनता उच्च विद्यालय के प्रांगण में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चंदपुरा को प्रखंड का दर्जा मिलेगा। उन्होंने बेगूसराय विधानसभा से विधायक उम्मीदवार अमिता भूषण को विजय बनाने का निवेदन उपस्थित लोगों से किया है। नई सरकार बहुत गंभीरता से अपनी घोषणाओं को लागू करेगी ताकि बिहार तरक्की करे, रोजगार के अवसर बने, सिस्टम दुरुस्त हो और बिहार वासियों का जीवन बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि बिजली की दरों को कम किया जाएगा, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा, बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमने जो भी घोषणा की है वह सब अवश्य ही पूरा किया जाएगा। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए चांदपुरा से कुमार शशि की रिपोर्ट। तो प्रखंड बनाने की जो आप लोगों की मांग है, कई प्रखंड तो बनकर के तैयार था रामू जी के समय, नीतीश जी ने सारे रुकवा दिया। इसमें आप लोग विधायक बनाइए अमिता जी को, और मुझे पूरा भरोसा है हमारी सरकार बनने जा रही है। इसी दिन को हम लोग माफ करने जा रहे हैं। आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी महिला जीविका, आप जब 100 रुपया बिहार 50 रुपया आलू हो गया है तो क्या भाई बैंक से भोजन लगने लगे? बात समझिए, हमने फैसला लिया, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन? बेरोजगारी है। हमारे शिक्षा के लिए, रोजी रोटी के लिए, इलाज के लिए दूसरा राज्य जाता है, बिहार गरीब हो जाता है। इसलिए हमारी सरकार एक मौका मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलिए एक मौका, आप लोग दीजिएगा तो हमने फैसला किया है। मेरा पहला कलम जब चलेगा मुख्यमंत्री रहते तो पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी, ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। कृषि बिल माफ करेंगे, बिजली के दरों को कम करेंगे, ये सारे क्षेत्रों पे हम लोग काम करेंगे। तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं, चलो तो बताइए बेगूसराय की जनता अमिता जी को